नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ओबरा थाना क्षेत्र के सेक्टर नंबर 4 विकास नगर कॉलोनी में एक नाबालिग 12 वर्षीय लड़की जिसकी शादी उनके माता पिता के द्वारा 28 मई को जबलपुर निवासी एक लड़के के साथ अचलेश्वर मंदिर पर चोरी चुपके से बिना पड़ोसियों की जानकारी के कुछ अगवा लोगों के देख रेख में करा दिया गया। सुबह विदाई के लिए जब लड़की को घर पर लाया गया तो आसपास के लोग पूरे मामले को देख हक्का बक्का रह गए और इस शादी को गलत मानते हुए तत्काल इस मामले की जानकारी सावित्री देवी अध्यक्ष महिला सुरक्षा एवं जन सेवा ट्रस्ट को दी गई। कुछ समय में सावित्री देवी मौके पर पहुंची और पूरे मामले को संज्ञान में लिया। 181 टीम ने ओबरा थाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेते हुए सभी को हिदायत दी और लड़की को अपने साथ ले गई। सोनभद्र से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी के निर्देश में एनजीटी के तहत बंदी कंप्लायंस के अंतर्गत लगभग 32 से 38 क्रेशर प्लांटों का प्रदूषण के मानक को पूरा न करने के तहत कार्रवाई सुचारू रूप से चालू हुई है, जिसके अंतर्गत सोनभद्र रावट संगज कोतवाली क्षेत्र में सुकृत पुलिस चौकी क्षेत्र के क्रेशर प्लांटों का लगभग 11 क्रेशर प्लांटों की सीजी की कार्रवाई की गई। उसी के तहत 54 बर्दिया ओबरा खनन क्षेत्रों में लगभग 5-5 की संख्या में एनजीटी के निर्देशों का पालन न करने के निर्देशों के बाद भी पानी छिड़काव, बैकवरिंग, अन्य मांगों का उल्लंघन करने पर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल की टीम, जिसमें प्रदूषण विभाग के एसडीएम मुख्यालय एवं थाना की फोर्स के साथ क्रेशर प्लांटों की सीजिंग की कार्रवाई चल रही है। सोनभद्र से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। 54 और ओबरा में इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इस्लाम धर्म का पाक महीना रमजान, जो कि 7 मई 2019 को शुरू हुआ था। जामा मस्जिद 54 और ओबरा में रमजान का आखिरी शुक्रवार यानी कि अलविदा की नमाज अदा की गई, जिसमें तमाम मुस्लिम आवाम अपने घर से रोजे की हालत में मस्जिद की और नमाज के लिए शामिल हुए, जिसमें ओबरा थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह और 54 थाना प्रभारी निरीक्षण प्रवीण कुमार सिंह व 54 कस्बा इंचार्ज दिग्विजय सिंह अपने हमराहियों के साथ मौजूद रहे। सोनभद्र से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में रेलवे स्टेशन पर व्यसन मुक्ति की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वल के साथ किया गया, जिसमें उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर के पदाधिकारी एस के मिश्रा, दीपक चौबे, पीपी चौबे एवं ब्रह्म कुमारी जिसे बी के प्रहलाद सहित अनेकानेक भाई एवं बहनें उपस्थित थे। ग्वालियर से अनूप पांडे की रिपोर्ट। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।